जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज जो हमारा ट्विटर कैंपेनिंग चल रहा है, जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट, ये अभी तक 1,71,000 पहुंच गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम रात 10 बजे तक ये 10 लाख पार हो। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है दोस्तों इसमें, अभी मेरे से भी गलती हुई थी। जो हम डिफेंस की स्पेलिंग लिख रहे हैं इसमें, उसमें कुछ बच्चे जो DEFE है उसको DEFA कर दे रहे हैं, तो इस गलती को सुधारो। मैंने देखा है कि उस DEFA जो डिफेंस लिखा है उसमें भी बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं, तो वो दोनों गिनती में नहीं आएंगे। तो कृपया करके सही जो स्पेलिंग है, जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट, याद रखो, सिर्फ इतनी सी मिस्टेक हो रही है, DEFE है अगला भी, और उसको बीच में कुछ बच्चों ने ए कर दिया। अभी मेरे से भी वो ए हो गया था, क्योंकि कई बार हम क्या, बस हैश टैग यूज करते ही, जैसे ही हम शुरुआत करते हैं जस्टिस फॉर डी लिखते ही वो आ जाता है, तो कई बार क्या है, बस उसको कॉपी कर देते हैं और देख नहीं पाते, और हमारे से गलती हो जाती है। मेरे से भी अभी मैं एक फोन करा रहा था, मेरे इसी रविंद्र फौजी जो मेरा अकाउंट है, इस पर मैंने पोल कराया था कि भाई शाम तक 10 लाख होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें गलती से वो हो गया था। तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर ये स्पेलिंग गलत है, तो मैंने उसको डिलीट करके दूसरा पोल करवा दिया है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि उसमें एक बच्चा जो मेरी ही कम्युनिटी से, राजपूत से आता है, जिसने जो भाषा लिखी थी कि अनपढ़ डिफेंस की स्पेलिंग ठीक कर ले, तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा भाषा शैली को ठीक रखें। मेरे बच्चे हैं जो खुद अभी भर्तियां देख रहे हैं तुम्हारी बराबर, ठीक है, मैं राहुल गांधी जी की तरह कोई कंवारा नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, तो अपनी भाषा शैली को ठीक रखो। वैसे तो मैंने उसमें भी लिख दिया कि जो भाषा वो मेरे लिए लिख रहा है, हो सकता है वो अपने माँ बाप के लिए भी ऐसी यूज करता होगा, और वो उनके माँ बाप की परवरिश की बदौलत इस भाषा का यूज कर रहा होगा, तो ऐसी भाषा नहीं है। बहुत से बच्चे गलती से गलती हो रही है, या कई बार मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी हैं जो भी उसमें एक के साथ भी बहुत सारे ट्वीट हुए हैं। तो कोशिश करो इस गलती को सुधारने की, और किसी को अगर समझाना है तो उसको तरीके से, ठीक है, अगर कोई तुम्हारा साथ का है तो उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन आप अपने पिताजी के समान उसको कह रहे हो कि अनपढ़, तो भाई वैसे तो मैंने उसमें भी लिखा है कि हम तो पुराने फौजी हैं, उस समय हमारे तुम्हारे टाइम में इतने अंग्रेजी स्कूल और ये थे नहीं कि हम शुरू से ही उनमें पढ़े हैं, हम तो गांव के लोग हैं, 10वीं तक मेरी जो पढ़ाई थी सरकारी स्कूल की थी, और हमारे समय में 6ठी क्लास तक अंग्रेजी नहीं होता था। वो तो मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ कि मेरे दादाजी भी फौज में थे, मेरे पिताजी भी, और मैं तीसरी पीढ़ी फौज में है, चौथी को इस अग्निपथ आने के बाद भेजूंगा नहीं। तो भैया थोड़ा सा उस चीज का ख्याल रखो, हमारे को भी हार्ट होता है, बाकी तो हम वैसे ही जमीन पे बैठे आदमी हैं, किसान और जवान के बच्चे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो एक बच्चा जिस भाषा से लिख रहा था, वो हो सकता है अपने आप को ज्यादा एजुकेटेड समझ रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उसकी भाषा एजुकेटेड है या उसके पिताजी एजुकेटेड रहे होंगे जो जिस भाषा में। हमारे यहाँ तो मजदूर किसान और उसके बच्चे भी दूसरे को रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लेकिन आपकी भाषा मेरे को ठीक नहीं लगी, इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा भाषा को ठीक, अगर किसी से गलती हुई है तो उसको आप कह सकते हो, जैसे बाकी बच्चों ने भी कहा कि हाँ सर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करो, लेकिन उसने दो तीन जो ट्वीट किए, हालांकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसके पीछे दो ऑप्शन हैं, क्योंकि बहुत सी हमारी कम्युनिटी, मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज अभी भी मोदी जी के पीछे है। मैं खुद मोदी जी को वोट देता था अभी तक, लेकिन आगे नहीं दूंगा, लेकिन अभी भी बोलते हैं उनकी जड़ें काट दी। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है इस अग्निपथ से, तो चाहे वो OBC के हों, चाहे वो जर्नल के हों, चाहे ST SC, जो सेना के से रिलेटेड परिवार हैं, मार्शल कॉम है, उनको तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके बच्चे 4 साल बाद में बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग से नहीं निकला। तो मैं बीच बीच में जैसे मोदी जी के लिए बोल देता हूँ, तो भैया वो नेता हैं, उनके लिए मैं ज्यादातर तो खैर मोदी जी यूज करता हूँ, लेकिन कई बार मोदी भी कह देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो गुस्से में आकर मैं कहता हूं, क्योंकि उसने हमारे किए हैं, तो मेरी स्पेलिंग से तो हो सकता है कि
आपको इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है वह जो आपने मेरे को अनपढ़ बोला, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे उसमें डी ई एफ ई करें उसको एक को कन्वर्ट कर दें, बस इतना सही है, ताकि हमारा ट्रिप शाम को 10 लाख पार हो। बाकी कोई बात नहीं, डोंट वेरी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।